ओके फ्रेंड्स, स्टडी किडा में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने कुछ सिलेबस डिस्कस किया था अपना एएलपी का, और हमने आपको ये कहा भी था कि फिजिक्स की क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिलेबस हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्टडी यानी डिस्कस कर लिया था। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्टडी किडा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ पे फिजिक्स के सेक्शन में जाके वीडियोज़ पहले वाली ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस आपको बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, प्रॉपरली इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आज की जो क्लास रहेगी, बेसिकली हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं, अपना जो टॉपिक है मेन वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरे हिसाब से इसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है सभी एग्जाम को देखे जाए तो। और आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ भी है, 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टर्म आएगी छोटी छोटी, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे हम, ताकि बेस बनता रहे और आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो 1 मिनट आप एक बार मीनिंग समझिए वर्ड वाइज का। देखिए, करंट का मतलब बेसिकली आप क्या सोचते हैं कि करंट यानी जो आपको शॉक देकर रहेगा, ऐसा नहीं है। आपने कुछ टर्म पढ़ी होंगी पहले भी, वाटर करंट है ना, और एक टर्म होती है एयर करंट। आपने ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। वाटर का तो मतलब हो गया पानी, करंट का मतलब है यहाँ पे बहाव, ठीक है, किसी चीज का बहना। एयर करंट मतलब हवा का बहना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट यानी बहाव है किस चीज का, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज है, यानी चार्ज का जो फ्लो होगा ना, चार्ज का जो बहाव होगा, उसी को आप इलेक्ट्रिसिटी करंट कहते हो। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब चार्ज क्या होता है ना, चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये मेंशन करता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है एटम वर्ड के बारे में, आपने पहले पढ़ा हुआ है एटम। यानी मैं मान लीजिए ये पेन है, इस पेन के टुकड़े चल करने स्टार्ट करूँ, इसका एक हिस्सा ऐसा आएगा लास्ट में जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वो स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी मैटर का जिसके और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, हम उसको एटम कहते हैं हिंदी में, जिसको परमाणु बोलते हो, जो हमारे मैक्सिकानंद ने बोला था फर्स्ट टाइम कि वो परमाणु होता है। बाद में मतलब इंग्लिश टर्म में देखा जाए तो उसको हम एटम नाम देते हैं उनको, ठीक है। अब एटम के अंदर देखा जाए ना, तो एटम शेप में स्फेरिकल शेप होती है, यानी कुछ ऐसे शेप होती है स्फेरिकली, और जो इनसाइड होता है वो कहलाता है न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस है एटम का, जो आपको स्फेरिकल दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं बेटा। प्रोटॉन, पी पी यानी प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन होगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं रहेगा, यानी ये न्यूट्रल कहलाते हैं, लेकिन प्रोटॉन के साथ में ये न्यूक्लियस में मौजूद रहेंगे। अब बचा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं और सर्कुलर पाथ में घूमेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। और जो सर्कुलर पाथ है ना, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जिस पाथ के अंदर, जिस ऑब्जर्वेटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं या घूमते हैं, हम उसको ऑर्बिट कहते हैं। आपको एक तो ये यहां से पता होना चाहिए ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्विंग जो पाथ है उसको ऑर्बिट कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम का वो सेंटर पॉइंट मौजूद है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और किसी भी एटम का वॉल मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों का जो वैल्यू है ना, दोनों की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, भाई प्रोटॉन को मैं ई प्लस से दिखाऊंगा, ये याद रखना है, पी से नहीं दिखाऊंगा मैं, और इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से। दोनों के ऊपर जो चार्ज का अमाउंट होता है ना, वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये हम पढ़ेंगे, एसआई यूनिट चार्ज की कूलम होती है, कहाँ से आई कैसे आई उसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा फंडामेंटल जो भी है आपका वो क्लियर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी साइन होगा, यानी जो चार्ज होगा, वो माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम करके लिखोगे, और प्रोटोन पे जो चार्ज होगा वो प्लस का करके लिखना है, बस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। अमाउंट सेम है, लेकिन जब इनके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, जैसे कभी कभी एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है,
वो मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तब उसमें थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर आपको साइन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है। अमाउंट की बात करें तो दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली हमारा चार्ज। अच्छा सॉरी, चार्ज को भी हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले थे। ये था बेसिकली एटम, यानी एटम तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, और ये क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जैसे बेसिकली याद रखना है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, या एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स सॉरी पॉजिटिव साइन होगा और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एटम का वॉल मास, सारा का सारा मास सेंटर पे यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहेगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करते हैं। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, ऑर्बिट किसे कहते हैं, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को सराउंड करता है उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो ये बेसिकली पांच क्वेश्चन है ना। आप लोग इनको नोट करते रहना, वीडियो को रिवाइंड करके साथ साथ सुनते भी रह सकते हो और लिखते भी रह सकते हो आप ये पॉइंट, क्लियर ये चीज। तो ये चीज थी बेसिकली अभी तक। अब हम बात कर रहे थे चार्ज के बारे में, एक्चुअल में चार्ज क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिकली कोई भी एटम न्यूट्रल रहेगा। कोई भी एटम न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको अभी क्लियर समझाता हूं। आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट तो पढ़ा ही होगा बचपन में, नहीं तो कहीं ना कहीं सुना भी होगा आप लोगों ने। और वो एक्सपेरिमेंटली डाटा क्या है वो देखिए एक बार। मान लीजिए ये पेन है ना। अभी मैं क्या करता हूं, इस पेन को मैंने ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन कर लिया, किसी से भी लगा लीजिए, ये पेन क्लीन किया मैंने, और मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास इस पेन को लेके जाऊं। अभी कागज तो नहीं है मेरे पास, आप घर पे करके देख सकते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको हम एक्सपेरिमेंटली डाटा करके दिखा देंगे ये सब। तो कागज के पार्टिकल ले लीजिए, मिट्टी के पार्टिकल ले लीजिए। तो मैंने इस पेन को कागज के पार्टिकल या मिट्टी के पार्टिकल के पास ले जाने की कोशिश की तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी कागज के पार्टिकल या मिट्टी के पार्टिकल पेन की तरफ नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है, अब ये पेन है ना, ये पेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब भाई ये पेन एटम से मिलकर तो बना हुआ है, छोटे 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 टुकड़ों से, है ना। ये एटम से मिलकर बना हुआ है तब ये जाके मैटर कहलाएगा, है ना। एटम तो वो छोटा टुकड़ा हो गया, और एटम से मिलकर जो बना वो मैटर है, ये मैटर है। मैं पूरा एक ऑब्जेक्ट मैटर हूं, आप मेरे टुकड़े करने चालू कर दो, और एक ऐसा छोटा पार्टिकल जिसके और टुकड़े नहीं होंगे वो मेरा एटम कहलाएगा। तो एटम और मैटर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे आगे चार्ज के लिए। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अभी मैंने आप लोगों को जो पेन दिखाया है, मान लीजिए ये पेन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये जो पेन है इस पे जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या है, यानी दोनों दस दस है। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल -10 कूलम चार्ज हो गया, प्रोटॉन टोटल कितने हो गए, +10 हो गए। आप रिजल्टेंट निकालो इन दोनों को ऐड करके, रिजल्टेंट ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी इनिशियली ये पेन चार्ज्ड नहीं है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। ये समझ गए ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। अब मैंने क्या किया, इस पेन को बालों में या ड्राई हेयर में ऐसे रब किया कुछ सेकंड तक, और रब करने के बाद मैं उन कागज के पार्टिकल या मिट्टी के पार्टिकल के पास लेके जाऊंगा तो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे, समझ गए ना। एक मिनट भाई, थोड़ा सा एक मिनट होल्ड रखिएगा। तो ठीक है ना, हम बात कर रहे थे अपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की। तो अभी इस पे फिलहाल कितने चार्ज मौजूद है, 0 चार्ज मौजूद है। तो मैं ये रब कर रहा था, ड्राई हेयर में रब करने के बाद मैंने देखा मिट्टी के पार्टिकल या कागज के पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। तो देखो क्या हुआ है भाई, ये जो पेन था ना, इसको मैंने ड्राई हेयर यानी ये हेयर ले लीजिए आप, ठीक है, ये हेयर ले लिए मैंने। हेयर पे रब करने की वजह से मान लीजिए इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए। मैं पेन चेंज करके दिखाता हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन मेरे बालों में ट्रांसफर हो गए। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास
भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तीन गायब हो गए तो सात बचे, प्रोटॉन पहले से कितने थे, दस ही थे। प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर प्रोटॉन का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, देखो इसलिए नहीं हुआ भाई, ये एटम था ना, एटम का ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर आपने प्रोटॉन अलग कर दिया ना न्यूक्लियस से, यानी आप एटॉमिक बम बना रहे हो, एटम को तोड़ना। हिरोशिमा नागासाकी पे आपने ये रिसर्च तो की होगी ना, थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा ना, एटम बम गिरने से इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है जो ड्रास्टिकली, यानी एक इतना बड़ा खतरनाक एक ड्रास्टिक चेंज ला सकती है ह्यूमन लाइफ के लिए, जो बहुत ही डेंजर है, ठीक है ना। तो एटम को तोड़ना यानी न्यूक्लियस को तोड़ना और फिर उसको प्रोटॉन निकालना, ये कुछ आम चीज नहीं है, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको खर्च भी करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर भी निकलेगी जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में मूव कर रहे थे, इसलिए बालों में ऐसे बस नॉर्मली रब करने से इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड थे, लूजली बाउंड मतलब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ही लूजली बाउंड थे, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। जैसे यहाँ पे इस पैन से मेरे बालों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो अब उस पैन के ऊपर देखो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सात, प्रोटॉन कितने हैं, दस। अब टोटल बात करूँ ना मैं, तो सात तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का साइन, दस प्रोटॉन पॉजिटिव का साइन, यानी कितना आया, प्लस का तीन आया। अब उस पैन पे प्लस का तीन चार्ज दिखा दूंगा मैं, तो चार्ज का डेवलपमेंट ऐसे होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ग्लास और सिल्क क्लॉथ का, ये भी आपके एग्जाम में कई बार देखा है, पूछा भी गया है, ग्लास रोड पे कौन सा साइन रहता है और सिल्क क्लॉथ पे कौन सा साइन होता है। और फिर आपके दिमाग में यहाँ से एक डाउट और आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ है, किस पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो देखो हम बात कर रहे थे ना, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मैंने माना ये ग्लास रोड है आपकी, ठीक, और एक मैंने ले लिया सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। देखो चार्ज को मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें कोई दिक्कत ना आए आपको, इसलिए चार्ज को थोड़ा सा आपको बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि फिजिक्स के जितने भी फंडाज हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे वो आपकी क्लियर हो जाए, वरना वो तुक्के लगाने वाले काम ही चलेंगे, बस फिर वही रहेगा, हम आपको हज़ार क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहे हैं उनको रट लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जबकि एग्जाम बनाने वाले को पता है क्या देना है क्या नहीं देना है, बच्चे कहाँ से पढ़ रहे होंगे कहाँ से नहीं पढ़ रहे होंगे, है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, इतने मैच्योर लोग बैठे हैं 50-50 साल की उम्र के, तो कुछ सोच समझ के एग्जाम बनाते होंगे वो लोग, ठीक है। तो बात करें हम ग्लास और सिल्क क्लॉथ की, इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। ग्लास रोड पे मैंने माना इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और प्रोटॉन की संख्या भी 10 है, भाई साइन में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन माइनस का प्रोटॉन प्लस का। सिल्क क्लॉथ पे मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मान लिया -5 और प्रोटॉन मान लिया +5, अभी दोनों न्यूट्रल है, कोई साइन नहीं है इनके ऊपर चार्ज का। अब रब कराने पर मैंने मान लिया कि ग्लास रोड से 3 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे आ गए, और ऐसा होने पर क्या हुआ भाई, इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन उतनी ही है 10। अब इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 पहले से थे, तो माइनस का 5 पहले से, -3 और हो गया तो -8 हो गए, और प्रोटॉन कितने अभी भी +5 है, रिजल्टेंट यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा, +3 आएगा, यानी ग्लास रोड के ऊपर तो 3 पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पे 3 नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ग्लास रोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सिल्क क्लॉथ क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यानी मैं यहाँ से बस ये कहना चाह रहा हूँ, चार्ज जो डेवलप होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि चार्ज डेवलप किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए दे देगा प्रोटॉन की वजह से, ऑप्शन बी दे देगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, ऑप्शन सी दे देगा बोथ, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों की वजह से चार्ज डेवलप नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है। दिमाग में क्या आता है, यार इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं तो दोनों की वजह से होता होगा, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हुआ है यानी चार्ज डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी है ना, देखो इस पॉइंट को वापस से देखो, इस पॉइंट को,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे देखोगे तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी है प्रोटॉन से इसलिए नेगेटिव साइन आया है। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना वहां पे पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी ना प्रोटॉन से वहां पे नेगेटिव चार्ज रिक्वायर होगा। तो चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ये क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज ट्रांसफर होते हैं। अब बात आ रही है भाई, जैसे कि सर आपको क्या पता कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, मतलब या उस पे पोर्ट, मतलब भाई ग्लास रोड से सिल्क क्लोथ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, आपको कैसे पता, क्या पता सिल्क क्लोथ से इलेक्ट्रॉन उधर चले जाते। तो यानी बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो ये पता करने के लिए आपके पास एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है, ये तो है ना ऐसे एक जार सा होता है भाई, कांच का जार तो आपने देखा ही होगा घरों में अपने पेरेंट्स के पास में, है ना, ये ऐसे कांच का जार होता है, और यहाँ पे ना एक रबर का वो लगा रहता है स्टॉपर टाइप में ताकि बाहर से नमी यानी हवा अंदर ना जाए, और इसमें एक रोड डली होती है ऐसे मेटल की, ये तो उसमें नोब होती है, नोब होती है मतलब मोटाई, ऊपर नोब सी होती है जैसे पिन नहीं होती है वो ठोकने वाली पतासे वाली कील, पतासे वाली कील में ऊपर वो बोलते हैं ना मोटे वाली कील, उसको पतासे वाली कील बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ऊपर वाला जो मोटा हिस्सा होता है ना उसको नोब बोलते हैं, यानी ये है मेटल नोब, मेटल नोब। मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये कैसे काम करता है, और ये मेटल की रोड नीचे तक जाएगी, ऐसे नीचे तक चली गई, ठीक है, और इस मेटल के नीचे है ना बेटा, मतलब यहाँ पे गोल्ड की फॉइल लगी होती है दो, ऐसे एक फॉइल ये हो गई और एक फॉइल ये हो गई, ये होती है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और यहाँ पर है ना इधर भाई, मतलब ये साइड की वॉल पे इधर तक ये टीन या प्लेटिनियम की कोटिंग होती है, टीन की कोटिंग भी हो सकती है, वो तो बस इसलिए कि कोई नमी नमी अगर गलती से आ गई होगी ना तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा टीन, और कुछ खास चीज़ नहीं है उसका, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। तो देखो गोल्ड फॉइल और ये मेटल नोब कैसे काम करेगी, अब चार्ज का पता करने के लिए गौर से देखना समझना। पहले ना ये भाई मान कर चलिएगा, ये जो मेरी ये दिख रही है ना ये पाम वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये मान लीजिए मेटल नोब है, और ये दो फॉइल है गोल्ड वाली, एक फॉइल ये है एक फॉइल ये, दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना, तो ये दो फॉइल हो गई। अब ये फिलहाल ऐसे है बिल्कुल न्यूट्रल है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट लेके आया जिसके ऊपर मेरे को पता था उसके ऊपर क्या चार्ज है, मान लीजिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और वो मेरी ठोडी मान लीजिए, वो ऑब्जेक्ट मेरी ठोडी है, ठीक है, मैंने अपनी ठोडी को यहाँ पे लगाया मेटल की नोब पे, तो मेरी ठोडी की वजह से यानी इस ऑब्जेक्ट से जो पॉजिटिव चार्ज है, मेटल से आपको पता है कंडक्टर होता है मेटल, तो कंडक्टर से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। तो जैसे ही मैंने मेटल नोब पे टच किया, मेरी ठोडी से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हुए गोल्ड फॉइल में चले गए, गोल्ड भी एक कंडक्टर है। अब दोनों में पॉजिटिव चार्ज जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, यानी लाइक चार्ज रिपेल करेंगे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, बाकी हम अभी भी देखने वाले हैं चीज़ को। तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये दोनों की दोनों फॉइल है ना धीरे 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 ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगी, दिख रहा होगा ना आपको, धीरे धीरे ऐसे खुलना शुरू हो जाएंगी, ये ऐसे हो गई खुल गई, इतनी खुल गई मान लो। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट मान लो कोई भी है, अब मैंने वापस मेटल रोड पे लगाया, अब मेटल रोड पे लगाऊंगा, मान लो अब ये गोल्ड फॉइल जो पहले से खुली थी ना अगर और ज़्यादा खुल जाएगी तो इसका मतलब अभी भी पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए ज़्यादा खुल गई। तो अब जो आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लगाया ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, या अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लगाऊँ जिस पर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज लगाने की वजह से ना सेपरेशन कम हो जाती, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को कम करता, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता तो पास आता। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं गोल्ड फॉइल के खोलने या बंद होने की वजह से कि किस ऑब्जेक्ट पे या किस पार्टिकल पे किस तरह का साइन जनरेशन हुआ है रबिंग की वजह से। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि आपके पास जो चार्ज होता है बेसिकली दो नेचर का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता कि चार्ज को
चार्ज का साइन यानी चार्ज की प्रॉपर्टी या चार्ज का अमाउंट या चार्ज का नेचर पता करने के लिए हम किस ऑब्जेक्ट का या किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो आंसर क्या रहेगा? गोल्ड डिफ्लेक्ट्रोस्कोप का। मैंने अभी इन छोटे से टॉपिक में देखो 15 क्वेश्चन बता दिया आपको, लगभग लगभग इतने क्वेश्चन बनते हैं इनके छोटी छोटी चीज़ों में। अगर आप इनको रट्टा मार के करते ना तो वो दो या तीन दिन से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना सारे कलेक्टिवली डाटा तो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ये स्टडी कीड़ा का वादा है आप लोगों से। तो चार्ज हो गए पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अगला क्वेश्चन क्या बन गया? चार्ज कितने नेचर के होते हैं? दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आए या नेगेटिव नेगेटिव पास में आए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इनको बोलते हैं लाइक चार्ज। लाइक मतलब एक जैसे चार्ज पास में आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए या नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ आ जाए तो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। और दो अलग अलग साइन है ना, इसको हम बोलते हैं अनलाइक, यानी अलग अलग नेचर के। तो अनलाइक चार्ज पास में आएंगे तो अट्रैक्ट होंगे, और लाइक चार्ज पास में आएंगे तो रिपेल होंगे। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आता है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। चार्ज की एसआई यूनिट, एसआई का हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल करके यूनिट होती है। आईयूपीसी नेम में हम थोड़ा बहुत डिटेल में समझा देंगे, वहाँ पे कुछ अभी खास जरूरत नहीं है। एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलम, COULOUMB, कूलम, ठीक है। और कूलम कहाँ से आया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है सर चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम। ये एक साइंटिस्ट है, उनका सरनेम उठा लिया, जैसे आपका सरनेम है वो सरनेम उठा लिया उसके मतलब रेस्पेक्ट में। तो इसलिए ऐसा यूनिट क्या रहेगी चार्ज की? कुलम रहेगी। और कुलम यानी चार्ज को हम बेसिकली कैपिटल सी से दिखाएंगे, मतलब अगर कहीं पे चार्ज -5 है ना तो आप -5 कुलम पूरा नहीं लिखोगे, कैपिटल सी करके लिख दोगे। तो ऐसा यूनिट कहाँ से आई? हमारे जो रिसर्चर साइंटिस्ट हैं सर चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम, उन्होंने ये यूनिट हमें प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो चार्ज की ऐसा यूनिट ये है। अब इससे ही आगे हम थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, भाई करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का जो नेचर है वो कैसे होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, उसके बेस पे पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, रजिस्टर, सीरीज पैरेलल कनेक्शंस, बहुत सारे टॉपिक बढ़ेंगे। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे ताकि आपको एकदम से ये भी ना लगे कि यार ये लोग तो बस फटाफट लगे हुए हैं भीड़ इकट्ठी करने में। नहीं, स्टडी कीड़ा का सिर्फ मोटिव है नॉलेज प्रोवाइड कराना जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चों को, वो भी फ्री ऑफ एजुकेशन, मतलब फ्री क्लासेस दी जाएगी आप लोगों को सारी, कोई भी पेड क्लासेस नहीं है ना। बहुत हो गया है कि पेड क्लासेस आप पैसे देते हो और पूरी नॉलेज भी नहीं मिलती है, वहाँ पे एक दो डेमो क्लासेस आपको ढंग से करा दी जाती है, उसके बाद वही रहता है ये 10,000 क्वेश्चन है हमारे, ये 20,000 क्वेश्चन है, इनको रट लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और फिर आप एग्जाम में जाके बैठते हो, यार ये तो 6 क्वेश्चन में से तो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट हुआ है, 5 नहीं हुए, क्या पता नहीं कौन सी बुक्स है, कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक नहीं, बेसिक चीज़ें पढ़ो। बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तो बुक की ज़रूरत नहीं है, ये गारंटी है, ठीक है। तो आज जो पढ़ा है ना आपका होमवर्क है, ये मान लीजिए कि वीडियो को रिवाइंड करके पूरा देखोगे और जो जो टॉपिक या जो जो ओरली मैंने बोला है वो सब नोट करोगे। देखो अगर आप सोचो कि मैं ये ओरली बोल भी दूँ लिख भी दूँ तो उसमें ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लगभग आज जो मैंने पढ़ा है ना इतना ही अगर मैं लिख के भी बताता ना आप लोगों को सारा का सारा तो कम से कम 35-40 मिनट की वीडियो चली जाती। अब आप खुद सोच के देखो, टाइम आप लोगों के पास वैसे बहुत कम है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एग्जाम के लिए बैठ के, घर पे और भी काम होते हैं और भी कुछ आपकी क्लासेस चल रही होंगी, सबको एक बार मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, जो जो ओरली बोला है उन सबको नोट कीजिए, ताकि लिखोगे तो पढ़ने में भी आपको आसानी आएगी, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं पे रिज्यूम रखते हैं, इससे आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट क्लासेज में और डिटेल में आगे आगे धीरे बढ़ेंगे। वीडियो की लेंथ धीरे धीरे बढ़ा दी जाएगी, आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और स्टडी कीड़ा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों से। तो आज के लिए ये रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।